कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण ने किया अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा। पनकी पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था अवैध शराब का काला कारोबार। कानपुर कमिश्नर असीम अरुण ने अवैध शराब का खुलासा करते हुए बताया, अवैध शराब के लिए बोतल, ढक्कन, रैपर और QR कोड होते थे तैयार। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में इसके एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी में बन रही थी अवैध शराब। वहीं दूसरी तरफ कानपुर क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा निरंतर सराहनीय एवं सटीक सूचना से कानपुर क्राइम ब्रांच टीम को मिली सफलता। पनकी से चल रहा था UP में अवैध शराब का कारोबार। सूत्रों की माने तो अवैध शराब कानपुर के आसपास के सभी जिलों में की जा रही थी। अवैध शराब की सप्लाई हरियाणा और पंजाब से आता था शराब बनाने के लिए केमिकल। प्रदेश के 20 जनपदों में होती थी बोतलों की सप्लाई। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। खुलासा करने वाली टीम को दिया जाएगा इनाम। आपको बता दें, पनकी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री एरिया में SK एंटरप्राइजेज नामक कंपनी में काफ़ी समय से भारी संख्या में अवैध शराब बनाई जा रही थी। पनकी पुलिस को इसकी बिल्कुल भनक नहीं थी। खाना बना एटा, फरुखाबाद, झांसी, हरदोई, सांडी, एटा, कायमगंज, यह जिले भेजते थे सर। यहीं से एक स्पिरिट के ड्रम में सर 200 लीटर आता है और ये 200 लीटर से 600 लीटर दारू तैयार करते थे। वो सर 100% प्योर आता है। ड्रम सर सामान्य पानी सर 600 सफेद ड्रम है, सफेद अल्कोहल है और सर एक रेड सफेद मतलब पानी की तरह ये सर ऐसा ये सर एक रेड है इस अवस्था में कलर मिला होगा सर। वो पैक करके सर 220 पैक करके बोलते हैं। ओके बहुत अच्छा, शाबाश। बाहर दे दें भाई, बाहर ही चलो भी उठा लेंगे, कोई नहीं। DCP फरमान साहब और रिसेंट DCP गुप्ता इसमें जो टीम ने अच्छा काम किया है, जैसे डॉक्टर्स को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और जो टीम इस काम में शामिल थी उनको सबको 25,000 रुपये का कैश अवार्ड दिया जा रहा है और साथ ही प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। किंतु ये रिवॉर्ड से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये इतना बड़ा योगदान है इस टीम का। जो जहरीली शराब वाले घटनाएँ हाल में हुई हैं अलग जगहों पर, वो उनका केंद्र
इस प्रकार की नकली फैक्ट्रियाँ हैं और इसका भंडाफोड़ होना बहुत अच्छी बात है। क्या है पूरा मामला, कितनी शराब बरामद हुई? ये शिकायत ऐसी मिल रही थी कि शराब नकली तौर से बनाई जा रही है और उसकी बोतल, पैकिंग, ढक्कन, स्कैन कोड सब चीज़ें पूरी पक्की बनाई जा रही हैं और उसको ऐसी जगहों पे बेचा जा रहा है जहां कहा जा रहा है कि ये लीगल सरकारी ठेके की शराब है। इस पे क्राइम ब्रांच कानपुर लगातार कार्रवाई करने का प्रयास कर रही थी और इसमें अब एक बड़ी सफलता मिली है। जो हमारे पीछे फैक्ट्री दिख रही है छोटी सी, यहाँ पे शराब की बोतलों को बनाने का परमिट इनको मिला हुआ था लेकिन केवल 2000 बोतल बनानी होती थी किंतु ये 16000 प्रतिदिन बना रहे थे। जो शेष बोतल हैं उनके लिए ढक्कन, स्कैन कोड, लेबल आदि अन्य स्थान से लेकर के आते थे, इथाइल अल्कोहल को लाते थे, रंग मिलाते थे और फिर उसको शराब प्रॉपर बना करके नकली रूप से इसको बेच देते थे। इस संबंध में जो कार्रवाई अभी हम लोग कर रहे हैं, पीछे से बोतल का ढक्कन, स्कैन कोड, लेबल ये कहां से आ रहे थे इस पर जाँच चल रही है, गिरफ्तारियां होंगी। बड़ी संख्या में यहां से शराब आसपास के जिलों को सप्लाई हो रही थी। जो खरीदने वाले हैं उनके हमें बहुत सारे डिटेल मिले हैं, उनके लिए अन्य जनपदों में हम दबिश डलवा रहे हैं जिससे कि वहां से रिकवरी हो और कहीं पर इस तरह की नकली शराब जो सप्लाई हुई है लोग पीने से बचें जिससे कोई घटना ऐसी ना हो।